हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में आज हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंत चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, गई थी, गए थे इत्यादि शब्दों पर होता है। आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हम यूज़ करते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं। सो लेट्स हैव अ स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है हैड हेल्पिंग वर्ब। हैड के बाद लगाया जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं एग्जांपल्स में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस देखिए, दे हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड मी, यानी उन्होंने मुझे पहले से चेतावनी दे दी थी। जी हाँ, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, जिसकी शुरुआत हमने की है सब्जेक्ट के साथ, जो कि है दे प्रोनाउन वर्ड। सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया है हैड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इस सेंटेंस में ऐड किया है एडवर्ब, जो कि है ऑलरेडी। एडवर्ब के बाद यहाँ पर आया हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है वॉन्ट। याद रहे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और सेंटेंस के लास्ट में हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट, जो है मी। देखेंगे नोट, एडवर्ब हैज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द वर्ब वॉन्ट इन दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में आप जो एडवर्ब देख रहे हैं उसे हमने यहाँ पर मेन वर्ब यानी वॉन्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है। देखेंगे अगला सेंटेंस, रीवा हैड रिटन अ बुक, यानी रीवा ने एक किताब लिखी थी। जी हाँ, इस सेंटेंस में भी हमने शुरुआत की है सब्जेक्ट के साथ, जो कि यहाँ पर है रीवा नाउन वर्ड। इसके बाद हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब हैड। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऐड कर दिया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है रिटन। और सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है, जो है अ बुक। आशा करती हूँ आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। लेट्स हैव अ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के बाद लगाया जाएगा हैड हेल्पिंग वर्ब और उसके तुरंत बाद हम ऐड कर देंगे नॉट निगेशन के लिए। नॉट के बाद लगाया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आइए देखेंगे एग्जाम्पल्स में। पहला सेंटेंस, दे हैड नॉट वॉर्न्ड मी, यानी उन्होंने मुझे चेतावनी नहीं दी थी। जी हाँ, सेंटेंस की शुरुआत हमने की है सब्जेक्ट के साथ, जो कि है दे। दे के बाद हमने लगाया है हैड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हमने ऐड कर दिया है नॉट, जी हाँ, निगेशन के लिए। और नॉट के बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है वॉन्ट। और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लगा दिया है, जो है मी। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, He hadn't told me about you, यानी उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था। इस सेंटेंस में भी हमने शुरुआत की है सब्जेक्ट के साथ, जो कि है ही। और सब्जेक्ट के बाद इस सेंटेंस में आया है hadn't, एक एब्रीविएशन यानी had और not की शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म told, और उसके बाद लास्ट में हमने यूज़ किया है ऑब्जेक्ट, जो कि है मी अबाउट यू। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑब्जेक्ट में एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स, आप सभी को नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं, आप सभी को मालूम है। देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर, जिसमें हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ। उसके बाद लगाया जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे।
इसके बाद हमारे पास है दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। उसके बाद लगाया जाता है हैट हेल्पिंग वर्ब। हैट के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो चलिए दिए गए स्ट्रक्चर्स को सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस, हैट द ग्रैंडमदर टोल्ड स्टोरीज, यानी क्या दादी ने कहानियाँ सुनाई थी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है जिसकी शुरुआत हमने की है हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ। उसके बाद हमने लगाया है सब्जेक्ट द ग्रैंडमदर जो कि एक नाउन वर्ड है। उसके बाद हमने यूज़ किया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है टोल्ड, और उसके बाद हमने लगाया है ऑब्जेक्ट स्टोरीज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ऐड कर दिया है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में नेक्स्ट सेंटेंस। When had you all taken lunch? यानी आप सभी ने दोपहर का भोजन कब किया था। सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पर हमने की है WH वर्ड के साथ जो कि है when। इसके बाद हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब had। had के बाद यहाँ पर यूज़ किया गया है सब्जेक्ट you जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है, और you के बाद यहाँ पर लगा हुआ है all। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑल शब्द का यूज़ एज अ प्रोनाउन ही किया गया है क्योंकि यह प्रोनाउन का ही एक टाइप है जिसे कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को टोटल इन नंबर में शो करता है। इसके अलावा ऑल का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह या फिर नाउन की तरह भी किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है टेकन, और वर्ब के बाद हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट जो है लंच। लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आइए अब देखते हैं सेंटेंस की फोर्थ कैटेगरी जो कि है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं, फर्क केवल नॉट का होता है। देखेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसमें हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ। उसके बाद लगाया जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं WH वर्ड्स के साथ यानी क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लगाया जाता है हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए एग्जांपल्स देखेंगे। पहला सेंटेंस, हैड यू नॉट रिटन अ बुक, यानी क्या तुमने किताब नहीं लिखी थी। अब यहाँ पर हमने सेंटेंस की शुरुआत की है हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके बाद हमने लगाया है सब्जेक्ट यू जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है, सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है नॉट, जी हाँ निगेशन के लिए, और नॉट के बाद हमने लगा दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि है रिटन, और रिटन के बाद हमने लगाया है ऑब्जेक्ट जो है अ बुक। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ऐड किया गया है। देखते हैं अगला सेंटेंस, व्हाई हैड यू नॉट टोल्ड मी दिस बिफोर, यानी तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया था। सेंटेंस की शुरुआत हमने की है WH वर्ड वाई के साथ जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद हमने लगा दिया है हेल्पिंग वर्ब हैट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया है सब्जेक्ट यू, और यू के बाद हमने ऐड किया है नॉट, जी हाँ निगेशन के लिए, नॉट के बाद हमने लगाया है वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट जो है मी दिस बिफोर। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस का यह ट्यूटोरियल ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।